कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में चल रहे संसद के मॉनसून सत्र में आज राज्यसभा ने दो विधेयक पारित किए जिनके जरिए एमपीज और मिनिस्टर्स की वेतन और भत्तों में कटौती की जाएगी। सांसदों के वेतन और भत्ते में कटौती करने के लिए जिस विधेयक को पारित किया गया है उसके बाद सांसदों का वेतन जो कि अभी 1,00,000 रुपये प्रति माह है वो घट करके 70,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा। वहीं पे उनका कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस जो कि 70,000 रुपये प्रति माह था वो घट करके 49,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा और ऑफिस एक्सपेंस अलाउंस जो कि 60,000 रुपये प्रति माह मिलता था अब उन्हें 54,000 रुपये प्रति माह ये अलाउंस मिलेगा। वहीं पे जो दूसरा विधेयक पारित किया गया उससे मिनिस्टर्स को मिलने वाले सम्चुअरी अलाउंसेज में कटौती की जाएगी। प्रधानमंत्री को महीने में 3,000 रुपये सम्चुअरी अलाउंस मिलता था अब वो घट करके 2,100 रुपये हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर्स को 2,000 रुपये मिलते थे हर महीने वो घट करके अब 1,400 रुपये प्रति माह हो जाएगा। वहीं पे MOS को 1,000 रुपये मिलते थे जो कि घट करके 700 रुपये प्रति माह अब हो जाएगा। जहाँ पर एक तरफ सभी दलों ने इन दोनों ही विधेयकों का समर्थन किया वहीं पे राज्यसभा में बिल पर हो रही बहस के दौरान विपक्ष के नेताओं ने MPLATS फंड को 2 वर्ष के लिए सस्पेंड किए जाने पे सवाल उठाए। कई सांसदों ने कहा कि MPLATS फंड या कि सांसद निधि जिसे कहते हैं ये वो रकम होती है जिससे अपने क्षेत्र में सांसद विकास के कार्य कर पाते हैं, खासकर एक ऐसे वक्त में जबकि एक पैंडेमिक से भारत जूझ रहा है और साथ ही एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। MPLATS फंड से अपने क्षेत्र में लोगों की मदद कर सकते थे सांसद। वहीं पे दूसरी तरफ ये भी सवाल उठाए गए कि जहां पर एक तरफ सरकार वेतन में कटौती कर रही है सांसदों के और मिनिस्टर्स के भत्तों में कटौती कर रही है वहीं पे सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट के साथ में सरकार आगे बढ़ रही है जो कि लगभग 20,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला है। ऐसे में कई सांसदों ने ये भी कहा कि सरकार को अपनी प्राथमिकताएँ तय कर लेनी चाहिए। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।